हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं बच्चों। तो इस फलन की अगर हम बात करें, तो इस फलन को अगर आपको समझना है तो इसके पहले आप लोगों को क्लास 11th का रिलेशन और फंक्शन, साथ ही साथ क्लास 12th का रिलेशन और फंक्शन आपको आना चाहिए। अगर आप लोगों को क्लास 12th का रिलेशन फंक्शन नहीं आएगा तो आप पहले मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को चैप्टर 1 की वीडियोस ली हुई है, वहाँ देख सकते हैं। साथ ही साथ क्लास 11th की आप पहले रिलेशन और फंक्शन, जो संबंध और फलन दिए गए हैं, उसको पढ़ लीजिए, तभी आप लोगों से बेसिक बनेगा, नहीं तो ये बनने वाला नहीं है। तो चलिए बात करते हैं बच्चों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की अगर हम बात करें तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, तो ध्यान से समझ सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई फलन आपके पास दिया है ना, कोई फलन अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पर, कि कोई फलन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, मतलब कि कोई फलन है आपके पास एफ, वो एक्स से वाई में, क्या है आपके पास एक्स से वाई में दिया गया है, तब कहेंगे का प्रतिलोम प्रतिलोम तभी संभव होगा बच्चों, संभव है जब फलन एफ एक एक व आच्छादी दोनों हो, दोनों। इसका मतलब क्या है बच्चों कि कोई भी फलन एफ त्रिकोणमितीय फलन तब हो सकता है जब वो एक एक और आच्छादी दोनों हो। अब एक 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 क्या होता है, आच्छादी क्या होता है, इसको समझना है तो आप चैप्टर नंबर 1 की वीडियो देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं बात करूं कि कोई भी फलन एफ जो एक्स से वाई में डिफाइंड है ना, एक्स से वाई में रिप्रेजेंट किया गया है, यानी यहाँ डोमेन एक्स है और कोडोमेन वाई है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों, तो एक्स से वाई में अगर कोई फलन रिप्रेजेंट किया गया है तो ये प्रतिलोम तभी हो सकता है जब उसका एक एक और आच्छादी हमारे पास दिया गया हो। अगर एक एक और आच्छादी दिया हुआ नहीं है, मतलब एक एक यानी जो फलन एफ है वो एक एक की और आच्छादी नहीं है, तो वो फलन प्रतिलोम फलन नहीं हो सकता बच्चों, आपको इस बात को याद रखना है। अगर मैं बात करूं कि अगर फलन आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो मैं कह सकता हूं कि फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग टू कैपिटल एक्स एंड एंड वाई इज बिलोंग टू कैपिटल वाई, तब आप देखेंगे कि जो अगर मैं बात करूं यहां से, क्या मैं इस फंक्शन को, हमने एफ एक्स इज इक्वल टू वाई का, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई का अगर मैं एफ का ट्रांसफर कर दूं तो एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई आपके पास मिल जाता है, एफ इनवर्स वाई मिल जाता है बच्चों। इस एफ इनवर्स वाई को ही, अब इसी को हम क्या बोलते हैं, इस एफ इनवर्स को ही हम फलन एफ का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं बच्चों, फलन कहते हैं, इस बात को याद रखना। सर ये बात हमको अभी तक कुछ भी समझ में नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, अब मैं कुछ बात बताने जा रहा हूं, उस बात को आप ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। मान लिया जाए, पहले हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय फलन की। तो आपके पास एक फंक्शन है जिसको हमने कहा वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। अब आपके पास एक फंक्शन है कि वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। अब साइन एक्स एक फलन है, साइन एक्स क्या है आपके पास, एक फलन है फलन। अब अगर ये जो फलन है आपके पास वो किस में है बेटा, तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये रियल नंबर से, अगर मैं बात करूं तो कहां पर डिफाइंड होता है फंक्शन, ये रियल नंबर से
क्या होता है बेटा, माइनस वन से वन में डिफाइंड होता है, है ना, क्लोज इंटरवल माइनस वन से वन में डिफाइंड होता है बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं बच्चों यहां पर साइन फंक्शन की, तो अब साइन फंक्शन को देखो, क्या हम साइन का ग्राफ भी बना सकते हैं? साइन का ग्राफ बनाते हैं। मैं आपको इनवर्स फंक्शन निकालना सिखा रहा हूँ बच्चों, क्या निकालना सिखा रहा हूँ? इनवर्स फंक्शन निकालना सिखा रहा हूँ, साथ ही साथ मैं आपको साइन फंक्शन का डोमेन रेंज, फिर साइन इनवर्स का डोमेन रेंज सब निकाल के बताऊंगा बच्चों। तो आप निश्चिंत बैठे रहेंगे, आपको सब एक एक समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि हम यहाँ पर साइन फंक्शन का डोमेन और यानी कि हम साइन फंक्शन का ग्राफ बना देते हैं बच्चों, तो हम ग्राफ क्रिएट कर रहे हैं, या आप ले लीजिए इसको, हम कह देते हैं एक्स एक्सिस, ये है आपके पास वाई एक्सिस। ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो ये मैंने कहा एक्स एक्सिस है आपके पास, और ये आप देखेंगे बच्चों तो ये वाई एक्सिस है आपके पास, वाई डैश वाई, और ये एक्स। अब आप यहाँ चेक करेंगे बच्चों, तो मैं कह देता हूँ कि जो ये आपके पास गिवन है, जो आपके पास गिवन है, तो इसको मैंने कहा ये आपके पास पॉइंट जो है वो माइनस सॉरी वन है, और ये पॉइंट जो है आपके पास माइनस वन है, ये ज़ीरो है। यहाँ एक पॉइंट है बच्चों माइनस सॉरी यहाँ पर एक पॉइंट है बच्चों आपके पास पाई बाई टू, क्या ये पाई बाई टू है? उसके बाद आप चलेंगे तो ये टू पाई है, सॉरी क्या क्या लिखे जा रहे हैं यार, क्या है आपके पास पाई है, ये पाई होगा, ये आपका थ्री पाई बाई टू होगा बच्चों, और यहाँ पर होगा आपके पास टू पाई। यहाँ देखेंगे तो माइनस पाई बाई टू होगा बच्चों, यहाँ देखेंगे तो माइनस पाई है, यहाँ देखेंगे तो माइनस थ्री पाई बाई टू है, और यहाँ देखेंगे बच्चों तो माइनस टू पाई है। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो साइन फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है? अगर आपको साइन का ग्राफ बनाते नहीं आता तो क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देख लीजिएगा, तो वहाँ पर आपको साइन फंक्शन का ग्राफ बनाते आ जाएगा। देखो साइन जीरो की वैल्यू जीरो पर जीरो होती है, लेकिन अब बढ़ोगे यहाँ से बढ़ते चलोगे तो कुछ थोड़ा ग्राफ आड़ा तिरछा बन जाएगा बच्चों, तो आप निश्चिंत रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना है बस यहाँ पर, ठीक है। ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये ग्राफ इधर नीचे चला जाएगा माइनस वन, और ये फिर ये चला जाएगा, और फिर ये आ जाएगा, ठीक है। ये किसका ग्राफ होता है बच्चों? तो ये साइन फंक्शन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये? साइन फंक्शन का ग्राफ है। अब साइन फंक्शन का ग्राफ है तो देखो बच्चों, इसका जो डोमेन है, बच्चों ये जो आर है वो क्या आपके पास डोमेन है, क्या है डोमेन है, तो डोमेन को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? प्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रांत बोलते हैं। ये प्रांत लिख दिए, और आप इसकी बात करेंगे बच्चों तो ये क्या आपके पास सह प्रांत है, क्या है बच्चों? सह प्रांत है। अब ध्यान से देखो, अब अगर मैं बात करूं बच्चों तो इस y जो आपके पास y इज इक्वल टू साइन x है, तो ये जो साइन फंक्शन है क्या आप इसका इनवर्स निकाल सकते हैं? तो बच्चों आप इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, तो आपके मन में आ रहा होगा सर क्यों नहीं निकाल सकते? अब इनवर्स इसलिए नहीं निकाल सकते बच्चों क्योंकि जो साइन फंक्शन है, बच्चों वो आपके पास, वो आप देखोगे बच्चों तो ये आपके पास क्या नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा ये वन वन नहीं है, क्योंकि ये वन वन नहीं है, मतलब एक एक ही नहीं है, यही फन जो साइन फंक्शन है वो एक एक ही नहीं है। अब साइन फंक्शन एक एक ही नहीं है, इसका मतलब है कि मैंने बोला था आप लोगों को उस फंक्शन को ही आप किस में कन्वर्ट कर पाएंगे? इनवर्स में कन्वर्ट कर पाएंगे जो क्या हो, एक एक और आच्छादित दोनों, ये तो एक एक ही नहीं है, तो फिर इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। सर एक एक ही क्यों नहीं है? अरे भाई क्यों नहीं है तो ध्यान से देखो यार, ध्यान से देखो इस बात को कि मैं अगर बात आप लोगों को बोलूं कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर देखो फंक्शन की सेम वैल्यू डिफाइंड हो रही है, अब मतलब एक अलग अलग पॉइंट पर एक ही अगर वैल्यू दे दे फंक्शन, तो भाई वो एक एक नहीं हो सकता। अब एक एक नहीं है तो भाई इसको, अब एक एक नहीं है तो हम इनवर्स कैसे पढ़ेंगे? पर हम तो पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, सब कैसे पढ़ेंगे? इस बात को पढ़ने के लिए, इस बात को अगर आप पढ़ना चाहते हैं बच्चों तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा सुधार दूँ, क्योंकि देखो अभी यहाँ पर इसका जो डोमेन है वो आल रियल नंबर है, क्या बेटा? आल रियल नंबर, और जो कोडोमेन है बेटा वो माइनस वन से लेकर के वन तक है, ठीक है। अब मैं अगर इसके
इस ग्राफ को थोड़ा सुधार दूँ, अगर मैं बोलूँ कि मैं इसको यहाँ से ऐसे क्लीन कर दूँ मेरे बच्चों, ऐसे यहाँ से क्लीन कर दूँ यहाँ तक और इधर से क्लीन कर दूँ बच्चों इसको यहाँ तक, अब आप देख पाएंगे बच्चों, अब आप देख पाएंगे कि आपके पास ग्राफ बन रहा है कुछ ऐसे, ये बन रहा है ग्राफ कुछ ऐसे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर प्रत्येक अलग अलग बिंदु पर आप यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं, देखो पाई बाई टू से, यानी ये जो माइनस पाई बाई टू है, माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक चल रहे हैं, तो क्या देखोगे हर एक पॉइंट पर वैल्यू चेंज हो रही। देखो जैसे जैसे आप यहाँ इधर बढ़ते चल जाएंगे तो वैल्यू देखो इंक्रीज हो रही, फिर आगे बढ़ते चल जाओगे ये वैल्यू इंक्रीज होते होते आगे बढ़ गई, तो क्या हो रहा है हर एक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है कि वैल्यू बढ़ रही है। तो ध्यान से देखो कि अगर मैं साइन के लिए, अगर मेरे को साइन फंक्शन को इनवर्स में बदलना है, तब मैं इस साइन फंक्शन का जो आपके पास फंक्शन वाई दिया गया है, वाई इज इक्वल टू जो साइन एक्स दिया है बच्चों, साइन एक्स दिया है, तो उसके लिए क्या बात होनी चाहिए, उसके लिए बात होनी चाहिए बच्चों ये फंक्शन कहाँ डिफाइन करना चाहिए, तो ये फंक्शन डिफाइन करना चाहिए बच्चों माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू में डिफाइन करना चाहिए बच्चों, और ये हो जाएगा माइनस वन से लेके वन तक। अब ध्यान से देखो आपके मन में आएगा सर कि हमने तो ग्राफ बनाए थे तो कुछ ऐसे भी था, कुछ ऐसे भी तो था ग्राफ, हाँ सर कोई बात नहीं, तो आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी अलग अलग है तो आप इसमें भी बता सकते हैं, लेकिन मेरी एक बात सुनिएगा बच्चों, मेरी एक बात समझिएगा कि मेरी एक बात समझिएगा कि बेटा यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो आपको वही वैल्यू लेना है, यानी कि ये जो आपका जीरो मिलेगा, यानी जो आपके पास सेंटर पॉइंट मिलता है, केंद्र बिंदु मिलता है, उसके पास का लगभग उसके पास का हम क्या लेंगे मुख्य शाखा मान लेंगे, ये जो आपके पास माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा मुख्य शाखा मान, क्या बोलते हैं इसको मुख्य शाखा मान, क्या बोलते हैं इसको मुख्य शाखा मान बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको मुख्य शाखा मान। अब ध्यान से देखो साइन फंक्शन का जो डोमेन हो गया, अब इनवर्स बनाना है, इनवर्स बनाना है तो उसके लिए जो डोमेन और कोडोमेन की बात करेंगे बच्चों, तो अब हमारे पास डोमेन क्या हो गया, तो डोमेन ये हो गया मतलब कि प्रांत हो गया और सह प्रांत ये हो गया, सह प्रांत ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो प्रत्येक वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब ये यहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है बेटा, ये आपके पास एक एक ही भी हो जाएगा, एक एक ही भी हो जाएगा, वह आच्छादक भी हो जाएगा, आच्छादक भी हो जाएगा, जब फंक्शन एक एक ही और आच्छादक हो जाएगा, अरे भाई देखो ना अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग वैल्यू दे रहा है, तो ये फंक्शन एक एक ही और आच्छादी हो जाएगा, तब मैं कहूँगा बच्चों कि ये फलन आपके पास इनवर्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि इस एक्स को उसी प्लेस में रहन दिए और साइन को ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स वाई, क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, अब इसका जो डोमेन और कोडोमेन है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा बेटा, माइनस वन से वन इसका डोमेन हो जाएगा, वन से वन इसका डोमेन हो जाएगा और कोडोमेन हो जाएगा बच्चों माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू इसका क्या हो जाएगा बच्चों कोडोमेन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। अब भैया मैंने आपको बताया था कि जब हमने इनवर्स फंक्शन पढ़े थे तो मैंने कहा था कि अगर ध्यान से देखो इस बात को कि अगर आपके पास कोई फंक्शन जैसे हमने पढ़े थे गॉफ ऑफ एक्स, ध्यान से देखना गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई एक्स आया था और फॉग ऑफ एक्स सॉरी वाई इज इक्वल टू आपके पास आई वाई आया था, इसका मतलब अगर इसका डोमेन, अगर ये डोमेन ए टू बी में, यानी फंक्शन ए टू बी में डिफाइंड है तो भाई यहाँ पर बी टू ए में डिफाइंड होना चाहिए, तभी मैं फंक्शन को जो फंक्शन एफ एक्स है उसको मैं, जो फंक्शन आपके पास एफ है उसको मैं क्या बोलूँगा इनवर्स फंक्शन में डिफाइंड कर सकता हूँ। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी कि साइन जो फंक्शन था उसको हम इनवर्स में नहीं बदल पाए, क्यों नहीं बदल पाए क्योंकि इसका डोमेन क्या था आपके पास आल रियल नंबर था, लेकिन जैसे ही हमने डोमेन को चेंज किए बच्चों तो क्या हो गया ये इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। तब आप ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, तब आप ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं साइन फंक्शन की बात करूँ, ये तो बदलने के लिए बनाया ना डोमेन कोडोमेन, लेकिन पहले की डोमेन इसकी क्या थी रियल नंबर थी और कोडोमेन क्या थी माइनस वन टू वन इन क्लोज इंटरवल में थी बच्चों, और अगर इनवर्स फंक्शन की बात करें तो इसका डोमेन आपके पास माइनस वन से वन है क्लोज इंटरवल में और कोडोमेन क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू है बेटा, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर ध्यान से देखो बच्चों
कि अगर मैं इस चीज का, अगर मैं इस चीज का अब इनवर्स फंक्शन, अब देखो इनवर्स फंक्शन है, अब इस इनवर्स फंक्शन के लिए मैं क्या बनाना चाहूँ बच्चों, अभी आपके जो इनवर्स फंक्शन मिला इसके लिए अगर ग्राफ बनाना चाहूँ बच्चों, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है बच्चों। तो एक बात मैं आप लोगों से बोलूं कि आपका ये ओरिजिन हो जाएगा। अब एक्स एक्सिस पर आपको माइनस वन से वन चलना है, माइनस वन ये होगा और वन ये होगा, और यहाँ पर आपको क्या चलना है बेटा, यहाँ चलना है आपको पाई बाई टू और यहाँ चलेंगे माइनस पाई बाई टू। तो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, आप ध्यान से देखो ना, पाई बाई टू पर वैल्यू चेक करो ना, पाई बाई टू पर वैल्यू कितनी है आपके पास, वन है, वन, और माइनस पाई बाई टू पर माइनस वन है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा बच्चों, ऐसे ऐसे किसका ग्राफ रहेगा प्यारे बच्चों, ये आपके पास रहेगा साइन इनवर्स एक्स का। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं बच्चों अब कॉस की, ध्यान से देखते चलना एक एक चीजों को। अगर मैंने कहा मेरे पास फलन बेटा वाई है, क्या है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स है। अब मैं ग्राफ नहीं बताऊंगा बच्चों, ग्राफ आपको 11th में बनाना सीख चुके हैं आप लोग, ठीक है, नहीं सीखे हैं तो आप जा सकते हैं मेरे YouTube पे सर्च कर सकते हैं क्लास 11th, है ना, क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आपको मिल जाएगा बच्चों। तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स है। अब कॉस एक्स का अगर डोमेन की बात करें बच्चों, तो इसका भी डोमेन आपके पास आल रियल नंबर होती है, और जो कोडोमेन होती है बच्चों, कोडोमेन होती है, कोडोमेन आपके पास माइनस वन से वन ही होती है, ये चेंज नहीं होता। अब ध्यान से देखो, लेकिन अगर इसको इनवर्स फंक्शन में बदलना है तो इसकी डोमेन चेंज करना पड़ेगा कॉस एक्स, तो इसकी डोमेन थोड़ी चेंज हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाती है, डोमेन चेंज हो जाती है, डोमेन को आल रियल नंबर नहीं लिखेंगे, डोमेन को आल रियल नंबर नहीं लिखेंगे, इसका जो डोमेन हो जाता है बच्चों जीरो से लेकर के पाई होगा, और ये डिफाइन करेगा माइनस वन से वन में। तब अगर मैं यहाँ पर कॉस इनवर्स निकालू बच्चों, कॉस इनवर्स वाई, तब इसकी जो डोमेन होती है बच्चों वो होगी आपके पास माइनस वन से वन, और जो कोडोमेन होगी बच्चों वो होगी जीरो से लेकर के पाई। सर कैसे आई, कैसे आई, अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं, साइन एक्स का ग्राफ, सॉरी कॉस एक्स का ग्राफ बनाऊं, तो कॉस एक्स क्या होगा, कुछ ऐसे डिफाइन किया जाएगा। ठीक, ध्यान से देखिए, आपके पास एक्स एक्स डेस, ये y, और ये हो जाएगा वो आपका वाई डेस, ये आपका जीरो, ये आपका पाई बाई टू, ये पाई, ये आपका थ्री पाई बाई टू, और ये आपका हो जाएगा बच्चों टू पाई। वैसे यहाँ पर माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू एंड माइनस टू पाई, यहाँ देखेंगे बच्चों तो ये वन और ये आपका माइनस वन। अब आप ग्राफ बनाएंगे बच्चों, अब आप ग्राफ बनाएंगे तो कॉस का क्या होता है, कॉस का जीरो पे वन दिखाता है, कॉस जीरो पर कितनी वैल्यू होती है बेटा इसकी, वन, और 90 पर जीरो, तो इसका जो ग्राफ बनता है बच्चों वो कुछ ऐसे बनता है, ऐसा है ना, थोड़ा आगे पीछे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, ऐसे कुछ ऐसे इसका ग्राफ बनता है बच्चों। अब अगर मैं इसका इंटरवल दूं, देखो जैसे अगर मैंने साइन जो फंक्शन था, जो साइन एक्स था, उसके लिए मैंने डोमेन क्या लिया था बेटा, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू लिया था, ठीक है, और कोडोमेन क्या आया था, माइनस वन से लेकर के आपके पास वन आ गया था। ध्यान से देखो तो भैया यहाँ वैल्यू चेंज कर रही थी, लेकिन ध्यान से देखो ना, यहाँ से वैल्यू चेंज कर रही है क्या, नहीं, क्योंकि दो अलग अलग वैल्यू पर हमको सेम वैल्यू मिल रही है, दो अलग अलग वैल्यू पर हमको क्या मिल रही है बेटा, सेम वैल्यू मिल रही है। तब हम क्या काम करेंगे, तब हम यहाँ पर करेंगे, देखो मैंने बोला था ओरिजिन के पास कर लेना लगभग लगभग, तो ओरिजिन के पास का देखो, अगर मैं याद है यहाँ से यहाँ तक लूँ, यहाँ से यहाँ तक लूँ, अगर मैं इस बात को ऐसे बोलूँ कि मैं इस फंक्शन को यहाँ से, इस ग्राफ को यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, तो देखो हर एक वैल्यू पर वैल्यू चेंज हो रही है, हर एक डोमेन की वैल्यू पर कोडोमेन की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब ये वन वन बन रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ से इसको क्लीन कर दूँ कुछ बेटा, ऐसे ऐसे क्लीन कर दूँ, ठीक है, इसको यहाँ से कुछ ऐसे क्लीन कर देते हैं, तब आप देखेंगे बच्चों, तब आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है,
मतलब ये क्या है, आपके पास जीरो था और ये पाई था, तब ध्यान से देखेंगे जीरो से पाई तक, देखो जीरो से पाई तक आपका क्या है बेटा, ये डोमेन है, और माइनस वन से वन तक को डोमेन है। लेकिन जैसे ही आप इन्वर्स फाइंड करेंगे तो माइनस वन से वन इसका डोमेन हो जाएगा, और जीरो से पाई इसका क्या हो जाएगा बेटा, कोडोमेन हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं आगे बात करूँ बेटा टेन की, अगर हम यहाँ पर बात करें टेन की, तो टेन को ध्यान से देखिएगा, हम फंक्शन कह देते हैं, हमारे पास जो फंक्शन है वो y इज इक्वल टू टेन एक्स है। अब भाई इसका डोमेन और कोडोमेन देखो। अब अगर इसके डोमेन और कोडोमेन की बात करूँ तो पहले हम इसका क्या बना लेते हैं बच्चों, ग्राफ। क्या बना लेते हैं बच्चों? ग्राफ। जब बिना ग्राफ के इसके डोमेन और कोडोमेन को समझा नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है, है ना। अब ध्यान से देखो, ये ज़ीरो हो गया, ये आपका पाई बाई टू हो गया, ये आपका पाई हो गया, और ये थ्री पाई बाई टू, और ये आपका टू पाई। वैसे ये माइनस पाई बाई टू, ये आपका माइनस पाई, ये आपका माइनस थ्री पाई बाई टू, और ये आप देखेंगे तो माइनस टू पाई। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अगर मैं आगे बढ़ूँ, है ना, मैं इसका बताता हूँ, बाकी इन्वर्स का आप लोग खुद देखिएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब अगर आगे बढ़े इस क्वेश्चन को लेकर के, तो क्या बात होने वाली है बच्चों, अब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो ये वैल्यू कितनी देगी, आपके पास वन है यहाँ पर, और ये आपके पास माइनस वन है। अब अगर टेन की वैल्यू की बात करें बच्चों, टेन की बात करें, तो ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूँ टेन की, तो टेन की जो वैल्यू डिफाइंड होती है, जो टेन की वैल्यू डिफाइंड होती है वो क्या होती है, तो टेन क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो साइन की वैल्यू जीरो, जीरो अपान वन, है ना ऐसी, तो क्या होगा, वन जीरो सा जीरो, मतलब जीरो आ गया। लेकिन अगर ये किसकी वैल्यू है, जीरो डिग्री पे, अगर 90 डिग्री होगी तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, वन होती है, और इसकी वैल्यू जीरो, तो ये क्या होता है, नॉन डिफाइंड, इनफाइनाइट सब चला जाता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, तो 90 में इनफाइनाइट, जीरो में जीरो, इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसे चलने वाला है बच्चों, ऐसे, है ना। अगर आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पर जीरो मिलेगी हमको, तो ये वैल्यू ऐसी कुछ चलेगी बच्चों। टेन के ग्राफ कैसे बनते हैं बच्चों, इस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। इधर से कैसे आता है, और ये ऐसा चला जाता है बच्चों। ये किसके ग्राफ है बच्चों, टेन के ग्राफ है। किसके ग्राफ है ये, टेन फंक्शन के ग्राफ है। अब ध्यान से देखो, मैंने बोला था ओरिजिन के पास का आपको चेक करना है, अब ओरिजिन के पास का चेक करना है। तो अभी डोमेन की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो डोमेन क्या है आपके पास, अगर मैं डोमेन की बात करूँ तो डोमेन है क्या, तो डोमेन को अगर ध्यान से देखो, अगर डोमेन की बात करें इसके, तो डोमेन होती है आपके पास जो रियल नंबर होगा, रियल नंबर में से, आप रियल नंबर में से क्या माइनस कर दो बेटा, तो यहाँ से माइनस करेंगे 2n+1 इंटू पाई बाई टू, इंटू पाई बाई टू। ये आपका क्या होता है, डोमेन होता है। क्या होता है बेटा, ये आपके पास डोमेन होता है, और इसका जो रेंज होता है बेटा, जो रेंज होता है, या कोडोमेन की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो इसका जो कोडोमेन होता है वो क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। क्योंकि देखो ना, ये इनफाइनाइट से होकर क्या रहा है, इनफाइनाइट पे जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो ऑल रियल नंबर इसका क्या हो जाएगा, डोमेन। लेकिन कोडोमेन नहीं होगा ना भाई, कोडोमेन इसलिए नहीं होगा, देखो ध्यान से, अगर एक ग्राफ चल रहा है तो भाई यहाँ से ये देखो, ये बिलोंग कर रहा है यहाँ तक चल रहा है, बाकी फिर इनफाइनाइट तरफ वैल्यू चल रही है क्या, नहीं चल रहा है। बस समझ में आ रही है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इन्वर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, अगर मैं इसको इन्वर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो जो आपके पास x इज इक्वल टू टेन इनवर्स y आएगा, इसका जो डोमेन और कोडोमेन होगा बेटा वो चेंज हो जाएगा। जो टेन का डोमेन होता है वो होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल क्यों लगाया यार, अभी तक तो बेटा क्लोज इंटरवल लगा रहे थे हम लोग, देखो ध्यान से यहाँ पर, तो क्लोज इंटरवल लग रहा था, ओपन इंटरवल क्यों भाई, इनफाइनाइट को आप इंक्लूड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट चल रहा है इसका, ठीक है, और चल कहाँ तक रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे टेन के लिए बेटा, तो ये चल रहा है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू चल रहा है बच्चों। क्योंकि देखो ना, आप यहाँ पर पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू को इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि वो इनफाइनाइट पर जा रहा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बढ़ता है। तो इसी प्रकार से सिमिलर अगर डोमेन कोडोमेन की बात करें, अगर डोमेन कोडोमेन की बात करें प्यारे बच्चों, तो मैं आपको यहाँ पर एक ग्राफ बनाता हूँ, और इस ग्राफ को याद रखेंगे कि किसका डोमेन क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है?
तो अपने को साइन कॉस की तो बात नहीं करना है यहाँ पर, हम बात करेंगे यहाँ पर, या तो हम सभी को ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। देखिएगा अब अगर मैं बात करूँ बच्चों, बात करूँ तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर एक टेबल बना देता हूँ। सबसे पहले तीन भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं, ये और ये, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर जो रहेगा आपके पास फंक्शन को डिफाइन करेंगे आप, यहां पर आप देखेंगे ये साइन फंक्शन होगा आपका फर्स्ट, ये आपका कॉस, ये आपका टेन, ये कॉट, ये सेक, ठीक। आगे बढ़ते चले जाते हैं तो आप इनको याद करिएगा बच्चों, जो मैं बोर्ड में राइट कर रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहां पर कितना मिल गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। चलो कोई बात नहीं, आगे दूसरा का बता देंगे, है ना, नेक्स्ट पेज में। अब मैंने कहा यहाँ पर आप रिप्रेजेंट करें फलन को, ये फलन है, ये आपका प्रांत है बेटा, ये क्या है बेटा, प्रांत है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, डोमेन बोलते हैं। और उसके बाद ये रहेगा आपके पास सह प्रांत रहेगा बच्चों, या जिसको हम सह प्रांत ना बोलते, क्या बोल देंगे, क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम बोल देते परास, क्या बोल देते परास, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेंज, क्या बोल देंगे, रेंज। तो ध्यान से देखो, अगर मैं साइन फंक्शन की बात करूँ बेटा, साइन एक्स की, तो साइन एक्स का क्या होता है बेटा, ऑल रियल नंबर डोमेन होगा, और जो आपका रेंज होगा बेटा वो माइनस वन से लेकर के वन होने वाला है, याद रखना। अगर मैं कॉस एक्स की बात करूँ तो कॉस एक्स के लिए भी ऑल रियल नंबर इसका डोमेन होगा, और कोडोमेन इसका माइनस वन से लेकर के वन ही होता है बच्चों। लेकिन अगर टेन एक्स की बात करें बच्चों, तो टेन एक्स में याद रखना जो आर होगा, आर माइनस, मतलब यहाँ पर जो डोमेन होगा आर माइनस 2n, या अपन इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 2n plus 1 into pi by 2, pi by 2 लिखेंगे बच्चों। और जो इसका कोडोमेन यानी परास होगा बच्चों, परास होगा आपके पास ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे, ऑल रियल नंबर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ टेन के बाद, तो हम बढ़ जाते हैं कॉट पे, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स, कॉट एक्स का याद रखेंगे बच्चों कि रियल नंबर माइनस, रियल नंबर माइनस क्या हो जाएगा, एन इंटू पाई, क्या याद रखेंगे बेटा, एन इंटू पाई। और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो इसका जो कोडोमेन होगा ये भी ऑल रियल नंबर होता है। अगर मैं बात करूँ बेटा सेक की, तो सी हो जाएगा सेक एक्स, सेक एक्स की बात करें बच्चों, तो इसका हो जाएगा आर माइनस, ये हो जाएगा 2n+1 इंटू पाई बाई 2, ये किसके लिए हो जाएगा बेटा, सेक के लिए हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा, सेक का डोमेन हो जाएगा, जो डोमेन किसका था, टेन का था, वही डोमेन किसका हो जाता है, सेक का हो जाता है बच्चों। और अगर इसके परास की बात करें, तो इसका जो परास होता है बेटा, ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से, ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से क्या होगा, माइनस वन क्लोज इंटरवल तक होगा बेटा, ठीक है। इस बात को आप ऐसे याद रख सकते हैं, या इसी बात को अगर मैंने कुछ ऐसे लिखा है, तो क्या इस बात को, एंड यूनियन, यहाँ पर हमको यूनियन का भी साइन लगाना पड़ेगा, और क्लोज इंटरवल 1 to +∞ ओपन इंटरवल तक होगा, ये आपको इसका याद रखना है। सेक के बाद हम बात करेंगे बेटा कॉसेक की, कॉसेक एक्स, अब कॉसेक एक्स की बात करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा आर माइनस, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन इंटू पाई, एन इंटू पाई। और इसके कोडोमेन और रेंज की बात करें बच्चों, तो ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से क्लोज इंटरवल माइनस वन, यूनियन क्लोज इंटरवल वन से लेकर के ओपन इंटरवल इनफाइनाइट तक चलेगा। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो आपके पास मिल जाएगा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का याद रखना बच्चों, डोमेन हो जाएगा आपका माइनस वन से लेकर के वन, और जो बेटा आप कोडोमेन चेक करें, रेंज चेक करोगे, तो हो जाएगा बच्चों क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू। उसके बाद कॉस की बात करोगे, कॉस इनवर्स एक्स की अगर बात करें बच्चों,
तो इसका कितना हो जाएगा, -1 से 1 क्लोज इंटरवल में डोमेन हो जाएगा, और कोडोमेन की बात करें बच्चों, सॉरी रेंज की बात करें बच्चों, तो ये हो जाएगा 0 to π, क्लोज इंटरवल 0 to π। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो इसके बाद बढ़ेंगे हम टेन इनवर्स एक्स। सो टेन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा बच्चों वो होगा -∞ से लेकर के इनफाइनाइट, और जो रेंज होगा बच्चों, जो रेंज होगा आपका टेन का वो जाएगा ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। इस बात को याद रखिएगा बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, टेन के बाद हम पढ़ेंगे cot, है ना, आपके 10, 11 and 12। तो हम बढ़ जाते हैं बेटा cot, है ना, cot इनवर्स x। अब cot इनवर्स x का अगर डोमेन की बात करें बच्चों, तो ये भी होता है आपके पास -∞ से इनफाइनाइट ओपन इंटरवल में, और अगर मैं रेंज की बात करूं बच्चों तो इसका रेंज अलग हो जाता है, रेंज चेंज होगा और ये हो जाएगा 0 to π। क्या होगा बच्चों, 0 to π, ओपन इंटरवल 0 to π। अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पर sec इनवर्स x की, तो sec इनवर्स x में जो डोमेन होगा बच्चों वो होता है आपके पास -ओपन इंटरवल -∞ to -1 यूनियन (closed interval 1 to ∞) ओपन इंटरवल इनफाइनाइट, ठीक है। और रेंज क्या हुआ बच्चों इसका, तो इसका रेंज होता है आपके पास (closed interval 0 to π/2) ओपन इंटरवल यूनियन (open interval π/2, closed interval π)। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों cosec की, तो हो जाएगा आपके पास cosec इनवर्स x, इसका डोमेन सेम रहने वाला है बच्चों -∞ to (closed interval 1 to ∞). और अगर इसके हम बात करें बच्चों रेंज की, तो ये रेंज चेंज हो जाएगा -π/2 to 0 ओपन इंटरवल में रहेगा, और यूनियन आ जाएगा यहाँ पर आपके पास (open interval 0 to 0 2) अगर बात करें बच्चों तो π/2 (closed interval). ये आपको याद रखना है बच्चों, डोमेन कोडोमेन या डोमेन और रेंज किसकी किसकी बच्चों, तो आप याद रखेंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स की बच्चों, ये आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा। अगर आप इनको याद नहीं रखते हैं तो फिर प्रॉब्लम होगी बच्चों, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिए याद रखने योग्य बातें, आपको याद रखना है बच्चों कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, सेम वैसी कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, और टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा बच्चों, ये थीटा आपके पास क्लियर है। अब देखो साइन इनवर्स अगर माइनस एक्स आ जाए तो ये माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है बच्चों, और कॉस इनवर्स माइनस कॉस एक्स आ जाए तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, टेन इनवर्स माइनस एक्स हो तो माइनस टेन इनवर्स एक्स होगा, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा, और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होगा बच्चों। चलिए तो इस फॉर्मूले का यूज करके, ये दिए गए जो फॉर्मूले आपके पास इनका यूज करके हम आगे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखिए बढ़ते हैं आगे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आपके पास दिया है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर इसके अगर हम हल की बात करें बच्चों, तो हल में मान लेते हैं कि माना दिया गया जो फलन है वो x बराबर है, x बराबर साइन इनवर्स 1/√2। तो अगर साइन को ट्रांसफर करें बच्चों तो ये हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू 1/√2। अब अगर मैं इसको साइन का साइन x रख दूँ और 1/2 की अगर बात करूं बच्चों, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो आपको याद होना चाहिए कि साइन 0° की वैल्यू 0 होती है सर। इसके बाद होता है साइन आपके पास 30° जिसको हम बोलते हैं π/6, इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। उसके बाद होती है 45, सर इसकी वैल्यू होती है π/4, π/4 की वैल्यू कितनी होती है 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2, कितनी होगी बेटा 1/√2। साइन 60 जिसको बोलते हैं π/3, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा √3/2,
और अगर 90 की बात करें जिसको हम बोलते हैं पाई बाई टू, तो इसकी वैल्यू होती बेटा 1। तो देखो ना ये 1 बाई रूट टू किसकी है, तो पाई बाई 4 की। तो क्या इसको लिखेंगे हम, ये किसकी वैल्यू बेटा साइन पाई बाई 4 की वैल्यू है। अब साइन से साइन अगर रिड्यूस कर दे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाई 4, पाई बाई 4। अब देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 4। आपको क्या बोला उसने, मुख्य मान निकालना है, मुख्य मान। तो मुख्य मान आपका पाई बाई 4 हो गया। और अगर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकाले, मुख्य शाखा मान निकाले, तो कितना हो जाएगा, ये पाई बाई 4 किस में बिलोंग करता है बेटा, तो याद करो ये बात किस में बिलोंग करता है, तो ये करता है आपका क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 में। और हमको क्या निकालना है, मुख्य शाखा मान के बीच का ही निकालना है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 4 हो जाएगी। क्लियर है बच्चों, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपके पास, कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 का मान ज्ञात कीजिए। भाई देखो यार, इसकी बात करेंगे तो वही मान लेते हैं कि माना x बराबर के आपके पास, तो cot इनवर्स 1 - 1/√3 ये दिया है। अगर मैं cot को ट्रांसफर कर दूं तो ये हो जाएगा cot इनवर्स x बराबर, इधर क्या रह जाएगा बेटा, इधर। या इस बात को थोड़ा सा, एक मिनट, क्या हम इसको ऐसे कुछ बनाएं। देखो अभी फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, जो फॉर्मूले हमने भी सीखा था। इस x के प्लेस में x रख दिया हमने। अब मैं अगर इसको सुधारूं तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स, कितना हो जाएगा आपके पास, ये कॉट इनवर्स 1/√3। सर क्यों, तो फार्मूला पढ़े थे बेटा अभी, चूंकि हमने फार्मूला पढ़े थे कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा। क्लियर है, तो उसी से लिख दिया हमने। अब मैं क्या काम करता हूँ, अब मैं क्या काम करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा सुधार देता हूँ। अब ये किसकी वैल्यू है, तो x बराबर। अब देखो ध्यान से, अभी मैं आपको एक बात बोलूँ तो ये वैल्यू किसकी है, तो पाई माइनस ये वैल्यू किसकी है, 1/√3। भाई रूट थ्री किस में आता है, रूट थ्री किस में आएगा, रूट थ्री किस में होगा, रूट थ्री किस में होगा बेटा। तो आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि भाई टेन की वैल्यू कितनी होती है, पहली जीरो होती है, फिर कितनी होती है, 1/√3 होती है, फिर 1 होती है, फिर रूट थ्री होती है। क्लियर है, क्लियर है, और फिर इनफाइनाइट यानी नॉन डिफाइंड होता है। तो भाई कॉट के लिए क्या होगा, इसके लिए मतलब ये किसकी वैल्यू है, 60 मतलब पाई बाई 3, तो भाई किसकी वैल्यू होगी, ये होगी पाई बाई 3 की। ये 10 के लिए बताया, तो 10 का रेसिप्रोकल ले लेना, तो पाई बाई 3 हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू, अगर सॉल्व करें, 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, तो एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3। क्लियर है बच्चों, तो एक्स की वैल्यू मिल गई। अब एक्स की वैल्यू हमने फर्स्ट इसमें क्यों निकाले, क्योंकि इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, अब ध्यान से देख लो, अगर मैं कॉट के लिए चलता हूँ, तो कॉट के लिए देखो, कॉट इनवर्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है इसकी, अगर मैं बात करूँ इसका डोमेन क्या है, तो डोमेन आपका माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है ओपन इंटरवल, और रेंज कितना है आपका इसका, तो ये क्या है ओपन इंटरवल 0 to π है। 0 to π के लिए अगर मैं बात करूँ भाई, तो क्या ये नंबर 0 to π में बिलोंग नहीं कर रहा, 0 to π में बिलोंग कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, क्योंकि ये जो x है वो क्या है बेटा आपका ओपन इंटरवल, मतलब कि 0 < x < π / π। तो भाई भैया 0 < कितना है, 2π / 3, और ये कितना हो जाएगा, < π, ये बिटवीन में, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या ये है, तो इसका मुख्य मान कितना होगा, 2π / 3 होगा। क्लियर है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन को। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।